लोकसभा चुनाव के थर्ड फेज में आज 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर वोटिंग जारी है। यह सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगी। हालांकि शाम 6 बजे तक मतदान केंद्र पहुंच चुके वोटर्स को इसके बाद तक वोटिंग कराई जाएगी। इस फेज में गृहमंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 7 केंद्रीय मंत्री और 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में वोट डाला। इस दौरान उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इससे पहले फर्स्ट फेज में 19 अप्रैल को 102 और सेकंड फेज में 26 अप्रैल को 88 सीटों पर मतदान हो चुका है। तीसरे फेज की 93 सीटों को मिला दें तो आज शाम को 283 सीटों पर वोटिंग पूरी हो जाएगी। नतीजे 4 जून को आएंगे। चुनाव आयोग के अनुसार तीसरे फेज में कुल 1352 कैंडिडेट्स मतदान में हैं।